चलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और जैसे कि आज 7 अगस्त है और सुबह के बज रहे 5:30। हम लोग का आज जरूरी मेडिकल है। हम लोग का वैसे कल ही था, लेकिन कल संडे होने की वजह से नहीं हो पाया। तो आज उन्होंने बोला है कि आप कल आइए, तो ठीक है। तो हम लोगों ने कहीं पे रूम लिया है होटल में, तो सस्ता होटल है ये भी। एक हम लोग ने बहुत ढूंढा, तब जाके हम लोग को एक सस्ता होटल मिला यहाँ पे, कि वहाँ पे बहुत सारे महंगे महंगे होटल है। तो बहुत कोशिश के बाद हम लोग को सस्ता होटल मिला। और ये होटल का मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो और ये होटल थोड़ा सही भी है वैसे, अच्छा खासा रूम है। और बाद में 2 जन के हम लोग को एक दिन का 400 देना पड़ा कुछ समथिंग, और एक दिन का मतलब कोई 200 एक जन का ऐसा है। तो बहुत ही मतलब अच्छा है। हम लोग सस्ते सस्ते होटल बहुत सारे हम लोग के ढूंढे, लेकिन कोई नहीं मिला। एक ही मिला, ईद गोमती निवास करके यहाँ पे। और आज हम लोग का 7:30 बजे से एंट्री चालू होगी। और आज हमारा री मेडिकल है। मेरे को एक ही पॉइंट दिया गया था वो, और वो है कान का वैक्स का, ठीक है। और मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट किया था आर्मी का, तो मेरे को 2 पॉइंट था, तो वो शायद एक क्लियर नहीं हो पाया, इसकी वजह से मेरे को अनफिट भी कर दिया। लेकिन बताते नहीं है कि वो कौन सा पॉइंट आपको, कौन से पॉइंट की वजह से आपको अनफिट किया। और मेरे को अभी एक ही पॉइंट है, जो कि मैं कान दान सब साफ करा के आ गया, ठीक है। और अभी 5:30 हो रही है, तो अभी हम लोग निकलेंगे 10-15 मिनट में यहाँ से, और उसके बाद सीधा चलेंगे शिवाजी द्वार, जहाँ से एंट्री चालू होगी। और 7:30 बजे वहाँ पे अंदर लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और री मेडिकल के लिए वहाँ पे बैठा दिए जाएंगे, ठीक है। और आगे की वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि आगे क्या क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है, री मेडिकल में। चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था, क्योंकि पहले हम लोग को बताया गया था कि 14 को हम लोग का मेडिकल का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लगा कि 14 या 15 के बाद जैसे हम लोग का रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा रिजल्ट के साथ, ठीक है। लेकिन हम लोग का अभी रिजल्ट पोस्टपोन, मतलब पोस्टपोन, या उन्होंने बता दिया है कि अभी 25 तक आ जाएगा, या 25 के बाद आएगा जो भी है मेडिकल का रिजल्ट। तो अभी मैं मेडिकल का जो वीडियो है, मेडिकल का रिजल्ट, वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, कि क्या रहा फिट के अनफिट। और अभी मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि हम लोग के साथ जब हम लोग का 7th को मेडिकल था, 7th ऑफ अगस्त को, तो मेडिकल हम लोग का कैसा गया, पूरा प्रोसेस उसका बता देता हूँ मैं। तो हम लोग होटल से चेकआउट हो चुके थे कुछ 5:30-6 बजे के आसपास, और हम लोग वहाँ पे 6:30 बजे तक पहुँच चुके थे अपना सेंटर पे, वहाँ पे शिवाजी द्वार हम के नाम से सेंटर था हम लोग वहाँ पे यार अहमदाबाद में। और हम लोग वहाँ पे कुछ 7 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे एंटर करने का, मतलब वो एंटर करने के लिए बोल दिया था। और वहाँ था जो जो मेडिकल वाले हैं, एक लाइन में खड़े हो जाओ। बाद में वहाँ पे हम लोग को एंट्री दी गई थी, और हम लोग वहाँ पे गेट पे सबको, जितने भी स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो हम लोग को सबको मतलब अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखना था, तो एंट्री करनी थी गेट पे, ठीक है। और हम लोग को बाद में जैसे हम लोग का सबका हो गया था लिख के, तो हम लोग को बाद में एक 10-10 के हम लोग को लाइन बनाई दी गई थी वहाँ पे, और हम लोग को लेन में खड़ा कर दिया गया था। और वहाँ पे हम लोग कम से कम 60 की 70 के आसपास हम लोग बंदे थे, ठीक है। हम लोग को बाद में वहाँ से लेके गए सीधा मेडिकल की ओर, और वहाँ से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास वहाँ से हम लोग को पैदल चला के MH लेके गए थे मेडिकल हॉस्पिटल में। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो हम लोग को वहाँ पे एक टेंट जैसा था, तो हम लोग वहाँ पे बोला कि अपना जितना बैग है, मतलब जो अपने साथ बैग लेके आए हो, तो हम लोग मतलब वो जाके बैग वहाँ पे टेंट के अंदर रख दूँ। तो हम लोग वहाँ पे अपना जो सामान था सबका सब टेंट के अंदर रख दिए थे, और हम लोग के पास ओनली एक चीज़ था जो कि मेडिकल स्लिप। हम लोग को वो बोला था कि मेडिकल स्लिप लेके रखना, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुम लोग का बाहर। और हम लोग का मेडिकल स्लिप था हाथ में, और 2 फोटो, हाँ फोटो के लिए भी बोला था कि 2 फोटो चाहिए और एक मेडिकल स्लिप। तो हम लोग ने वो चीज़ निकाल लिया था, और हम लोग वहाँ पे आधे घंटे, मतलब हम लोग को वहाँ पे बैठा दिया गया था आधे घंटे के लिए। फिर कुछ 7:30 बजे 8 बजे थे, 8-8:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ। वहाँ पे बायोमेट्रिक होने के बाद हम लोग का जो पहले जो मेडिकल का जो पेपर था, जो हम लोग को उस दिन दिया था जब हम लोग का मेडिकल था, तो वो पेपर में हम लोग को साइन करना था वापस। और बाद में हम लोग को फोटो भी दी, हम लोग की जो फोटो थी वो हम लोग को एक बुक में, मतलब हम लोग वहाँ पे फोटो चिपका के हम लोग को साइन भी दे रहे थे वहीं पे। और वो सब प्रोसेस होने के बाद, सब वो बायोमेट्रिक के सब होने के बाद, वहाँ पे हम लोग को मतलब बैठा दिया गया था, जो सब काम हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग को अलग अलग ग्रुप में बांटा था, जैसे जिसका जो जो पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग सबको अलग अलग ग्रुप में बांटा था। जैसे मेरा ईयर का वैक्स था, तो मेरे को फिर
हम लोग को कुछ, हम लोग 10 से 15 लोग थे हम लोग को, हम लोग को फिर लेके गए थे वहीं पे तुरंत, मतलब फटाफट काम हो रहा था, बिल्कुल भी तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, तो हम लोग को फटाफट वहाँ पे लेके गए थे। मतलब एक 10 से 15 लोग थे हम लोग वो ग्रुप में, एयरवैक्स वाले में, एयरवैक्स वाले में जिसको कोई भी कान का कोई भी पॉइंट मिला है, तो हम लोग को लेके गए वहाँ पे मेडिकल वो कैबिन में। बाद हम लोग वहाँ पे बैठा के रखा आधे घंटे बाद में, 10 बजे के आसपास मैम आई थी, एक कर्नल मैम थी कोई, और उसके बाद हम लोग को वहाँ पे एंट्री दिया गया था। मतलब आधा घंटा हम लोग वहाँ पे बैठा के रखा था, फिर वो मैम आने के बाद फिर 10-15 मिनट हम लोग और वहाँ पे बैठे थे। मैम हमारा कान का चेक किया, हम लोग 10 से 15 लोग थे, बाद में इसमें से एक दो लोग थे जिसके कान में कोई पॉइंट था, नहीं शायद एक ही था वो बंदा, जब मैम वो उसको चेक कर रही थी तो उसके कान में शायद छेद था, तो मैम ने उसको वहीं पे बोल दिया था कि आपके कान में छेद, आप चले जाओ। तो वहीं पे वो बंदा आदमी रोने लग गया था, फिर उसको भेज दिया था। तो मतलब जिसका भी वहीं पे जहाँ पे कोई कान में दिक्कत है, जिसकी कोई फॉल्ट है, तो वहीं पे उसको मतलब भेज दिया गया था वहीं पे। तो वहाँ से हम लोग को शायद एक या दो बंदे थे जिसको भेजा गया था, हम 10 या 15 बंदे में से। उसके बाद बाकी लोग का जिसका फिट था, तो मेरा तो एकदम सही था, और जिसका सही था उसको एक लाइन वापस खड़ा मतलब होने के लिए बोला। और बाद में वापस एक सर आए थे हम लोग को, और कान के पास हम लोग के वो पेपर रख के वहाँ पे उसमें स्क्रैच कर रहे थे, और हम लोग को एक कान से एक वर्ड मतलब मैम बोलेगी तो हम लोग को सुन के बोलना था कि हम लोग को क्या सुनाई दे रहा है जो मैम वो वर्ड बोलेगी। तो जैसे मैम एकदम धीरे से कोई वर्ड बोलेगी 23 या ऐसा कुछ, तो हम लोग को वो चिल्ला के बोलना था कि मैम ने क्या वर्ड बोला है। तो ऐसा हम लोग को 5 या 7 वर्ड बोला, एक कान से हम लोग को 2 या 3 वर्ड बोलने के लिए मतलब सुनना था और बाद में बोलना था, ऐसे करके दोनों कान से हम लोग को सुना के बाद हम लोग को भेज दिया गया। हम लोग को वहाँ पे कुछ बताया नहीं कि आपका हो चुका है ऐसा कुछ, या फिट अनफिट ऐसा कुछ नहीं बताया, जिसका हो चुका था उसको बाद में सीधा उस भेज दिया। और जैसे हम लोग का प्रोसेस हम लोग वहाँ पे ख़त्म हो गया था, फिर हम लोग को वहाँ पे मतलब जैसे हम लोग का पूरा कान वान का जितना भी था, हम लोग का सब लोग का जैसे हम लोग का ख़त्म हो गया था, हम लोग वापस लेके गए थे वहीं पे बायोमेट्रिक हम लोग जहाँ पे हुआ था। और फिर कुछ लोग थे जिनका ना ज़्यादा पॉइंट था, ठीक है, तो उनको ना अलग बिठा दिया था, और जिसका कोई पॉइंट नहीं था, जिसका एक ही पॉइंट था कान का, जैसे मेरा एक ही पॉइंट था कान का, तो हम मेरे को बोल दिया था कि आप जा सकते हो और आप 14 तारीख को आओ, या उसके मतलब 14 तारीख को आओ, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, मतलब ऐसा मेडिकल का पता चल जाएगा जो भी है। तो मैं सोचा कि 14 को आप मतलब 14 को क्या हो रहता है रिज़ल्ट, तो उसके बाद मैं वीडियो बना लूँगा कि मैं पास की थी, लेकिन मतलब पास या फिट अनफिट वाला जो भी है। तो उसके बाद लेकिन अभी पता चला कि 25 अगस्त को रिज़ल्ट शो होगा मेडिकल का, तो मैं सोचा कि अभी वीडियो बना देता हूँ इसका, मेडिकल री मेडिकल का, और जो मेडिकल का जो रिज़ल्ट आएगा उसका अलग से वीडियो बना दूंगा 25 को। तो हम लोग को जैसे मेरा हो गया था कुछ, हम मेरा 11:30 बजे के आसपास मेरा पूरा मेडिकल ख़त्म हो गया था, और मेडिकल ख़त्म होने के बाद हम लोग को मतलब जिस जिस बंदे को जाना है घर पे वो जा सकता है, लेकिन मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था, तो उसका मेडिकल भी बाकी था, तो मैं वहीं पे बैठा था 1-2 घंटे तक। बाद में वहाँ पे कैंटीन वेंटीन था, तो कैंटीन में नाश्ता पानी किया और वीडियो वीडियो बनाने लगा मैं थोड़े, लेकिन वहाँ पे वीडियो वीडियो सब बनानी अलाउड है नहीं, सर ने पहले बोला था मोबाइल वोबाइल निकालना नहीं है बिल्कुल, लेकिन चुपके से मैंने एक वीडियो बना ली थी, ठीक है। और बाद में वहीं पर घूमने वूमने लग गया था मैं तो वहाँ पे थोड़ा, और मेरा दोस्त आया जिसका वो मेडिकल हो चुका था, हाथ का था उसका मेडिकल का पॉइंट, और उसका भी यही बोला कि ठीक है आप 14 को आओ ऐसा कुछ, 14-15 को आओ, आपको मेडिकल का पता चल जाएगा, मेडिकल रिजल्ट देखने के लिए ऐसा। तो 14-15 को अभी परसों ही था हम लोग का, तो हम लोग एक मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा तो उसने एक फ़ोटो भेजा कि 25 अगस्त के बाद जो है वो पता चलेगा मेडिकल के बारे में। और हम लोग वहाँ से 1-2 बजे तक निकल चुके, मतलब 1-1 बजे के आसपास या 12-1 बजे के पास हम लोग वहाँ से निकल, मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया था मेडिकल का जो भी है। और मेडिकल का इस बार अच्छा था, पिछली बार का जब मेडिकल में गया था तो वहाँ पे बहुत देर तक हम लोग को बिठाया गया था, पूरा ही दिन लग गया था, हम लोग को शाम को 6 बजे के आसपास हम लोग को छोड़ा गया था, पिछली बार का जब फर्स्ट अग्निवीर इनटेक आया था तब तब का मेडिकल का, लेकिन इस बार का फटाफट काम हो रहा है, 2 बजे के आसपास सबको छोड़ दिया गया था, 2-2.5 बजे के आसपास। और कुछ बंदे थे भी थे जिनके ज़्यादा पॉइंट थे, जैसे 5-7 पॉइंट थे जिनके, और तो उनका एक दिन में नहीं हो पा रहा था, तो उनको अगले दिन भी आने के लिए बोला था। जैसे एक एक दो और बंदे थे हम लोग का, जैसे मेडिकल मंडे को हुआ था, लेकिन कुछ कुछ बंदों का मेडिकल सैटरडे को हुआ था, तो सैटरडे को जिनका एक दो ही पॉइंट हो पाया था और बाकी एक दो पॉइंट और जिसके बचे थे, तो उनको ये बोला गया था कि आप मंडे को भी वापस आओ,
तो वो बंदे मंडे को भी हम लोग के साथ वापस आए थे, और उनका जो पॉइंट था उनका क्लियर हो गया था। और बाद में अभी मैं आपको मेडिकल की जो रिजल्ट आएगा उसका वीडियो मैं आपको 25 अगस्त को वापस बता दूंगा कि कैसा क्या रहा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और अगर ये पूरी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और कुछ क्वेश्चंस हो तो पक्का पूछना, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा उस चीज़ के, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।